नुआदिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम रे अनुष्ठित होइछे बोडलैंड महोत्सव। प्रथम बोडलैंड महोत्सव उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कार्यक्रम रे शनिवार केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य शामिल होइछन्ते। बोडलैंड रो भाषा साहित्यर प्रचार प्रसार सह अंचल रे शांति रक्षा दिगरे एही दुईदिनिया सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन करा जायछे। युवापीढ़ी मध्यरे गवेषणार जागरण सृष्टि करबा पई भारतीय शिक्षण मंडल युवक मानक द्वारा आयोजित कार्यक्रम रे केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछन्ती आज युवापीढ़ी विज्ञान प्रजुक्ति विद्या कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निजर अंशग्रहण द्वारा देश को आत्मनिर्भरशीलता और विश्व नेतृत्व आड़ को नहीं पारे। जातीय शिक्षानीति 2020 ए दिगरे एक ऐतिहासिक पदक्षेप। यही नीति माध्यम भारत प्राचीन शिक्षा व्यवस्था यथा योग व्यवहारिक ज्ञान एवं नैतिक शिक्षा को पुनरुद्धार कर नीति केवल आधुनिक आवश्यकता को पूरण करिवो नहीं परम युवापीढ़ी को भारतीय मूल्यबोध एवं विचार सहित जोड़िबो। ठीक है, भारत में बोडो समाज एक बहुत ही अमूल्य संपद है हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर में। पूर्वोत्तर भारत में विशेष करके आसाम में ये समाज बसता है। भारतीय सभ्यता की बहुविधता उसमें प्रकट होती है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ बोडो साहित्य सभा के नेतृत्व में पहली बार यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय उद्यम है। भारत की बहुविधता देश की सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। आसाम ऐसे ही बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से धनी प्रांत है, उसमें से भी बोडोलैंड बहुत ही अच्छा इलाका है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।